चलिए गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम, लेट्स स्टार्ट द मॉक टेस्ट। अगले तीन घंटे आप बंद चुके हैं वेदांतु बायोटॉनिक के साथ। इससे पहले कि मैं आज की क्लास शुरू करूं, मैं आपको कुछ बहुत ही फनी बताने वाली हूं। मैं जा रही थी ऐसे पानी का ग्लास भरने, क्योंकि अब मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, और मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और मुझे ब्लैक डॉट्स नजर आए, और मैंने वापस देखा और मैं साफ करने लगी। मुझे लगा ये छींटे कहां से आ गए स्क्रीन पे, और फिर मैंने देखा ये तो थंबनेल ही ऐसा है। तो मेरे साथ अभी अभी ऐसा हुआ, मैं लगी हुई हूँ छींटे कहां से आ गए ये काले काले, एंड ओ माय गॉड ये तो थंबनेल ही ऐसा है। बट माय डियर बायोटॉनियंस, आई होप यू आर ऑल रेडी, गुड इवनिंग। यू हैड अ लॉन्ग डे, आई थॉट थोड़ा सा आपको एकदम हंसी मजाक से स्टार्ट करवा दूं। क्या आपके पास ओएमआर है, जैसे कि आपके नमक में सॉल्ट है? आज मुझे तो कुछ हो गया, इतनी मेहनत करके सुबह से क्वेश्चन बना रहे हो, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो। बट क्या आपके पास नमक होना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आपके पास ओएमआर है? क्योंकि बिना ओएमआर के कोई भी मॉक टेस्ट देने का फायदा नहीं होगा। तो लाइव किसी भी मॉक टेस्ट से दिल थाम के बैठिए। चलिए 5, 4, 3, 2, 1 करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। नीट मॉक टेस्ट पार्ट 1, कल 6 बजे भी मॉक टेस्ट है। क्लास 11th एंड 12th बायो का फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक रोज चलेगा, कल सुबह। इज दैट क्लियर? 6 बजे एनटीए से 200 माशाल्लाह, मैंने कहा ना आज कुछ हो गया है। एनटीए से 200 क्वेश्चन टुमारो 9 AM अगेन, 9 से 11:30-12 बजे तक एनटीए के 200 क्वेश्चन करेंगे, 200 क्वेश्चन फ्रॉम एनटीए। प्लांट किंगडम ड्राइव फाइट शाम को 5 बजे विद मेंटी क्विज, कल शाम को वेरी पॉपुलर डिमांड चीट शीट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, कर दीजिए यो साइन। इज दैट क्लियर? रेडी स्टडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, कल शाम को, परसों, कल रात को, सॉरी, कल शाम को 11 बजे पहली बार हो रहा है बायोटॉनिक पे, पर कल शाम को 11 बजे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मॉक टेस्ट नंबर 2। आपको मैं 20 मॉक टेस्ट कराऊंगी, याद करो मैंने बोला था 10 into 2 20 मॉक टेस्ट। डन, क्लियर हो? स्टार्ट करें मनश्री बायो के साथ, कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एवरीबॉडी, मेक श्योर योर हार्ट इज मेड, यू लाइक, कम ऑन गाइज, मार्क योर अटेंडेंस, 1 like 1 share 1 subscribe मॉक टेस्ट रेडी, दिल थाम के बैठे, टिक 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 टिक। एंड सबसे बड़ी न्यूज दे दूं, 13 सितंबर को मैं अपना ड्रॉपर बैच स्टार्ट कर रही हूं, यू कैन जॉइन क्लासेस विद मी, इट्स गोइंग टू बी माय ड्रॉपर बैच इन माय क्लास, माय मेंटरशिप, याद रखिएगा, गॉड फॉरबिड मेरे ड्रॉपर बैच में कोई भी सीट ना मिले, 0 बच्चे आए बायोटॉनिक से, बट फिर भी अगर आपको ड्रॉप करना है, आपके ड्रीम कॉलेज में जाना है, मेडिसिन इज योर पैशन, योर एवरीथिंग, वीडी प्रो मेरा कोड है, ड्रॉपर्स बैच होगा। और याद रखिए, आप फीस देखिए मैं क्या लूंगी आपसे, ₹26 राइट, 21 lectures आपके पर वीक दूंगी मैं, 21 lectures, 3 दिन 3 lecture, 3 दिन 4 lecture, 1.5 घंटे का लेक्चर, 31.5 hours टीचिंग इन अ वीक, 94.5 hours इन अ मंथ ऑफ ओनली 28 days, एंड 108 घंटे विद योर डाउट डिस्कशन, डाउट बुकलेट, टेस्टिंग मॉडल, तत्वों बुकलेट्स आपके घर पे जाएंगे, डाउट सेशन इन द क्लास, आफ्टर द क्लास। बट अब अपने दिमाग से निकाल दो, अब सोचो कि यार सिर्फ पढ़ना है, स्टार्ट कर दे, सब आ गए, OMR रेडी है, पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर मैं बोलूंगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू, आंसर साथ के साथ चाहिए, क्लास के बाद चाहिए, आंसर साथ के साथ चाहिए, क्लास के बाद चाहिए, स्टार्ट कर रही हूं। आफ्टर द क्लास यू ओनली वांट टू गिव इट इन 3 hours, टाइमर सेट कर चुकी हूं मैं, कैसे करना चाहते हो बताओ, हाउ डू यू वॉन्ट, साथ के साथ, डन, कर दे स्टार्ट, राइट, साइड बाय साइड, पक्का, प्रॉमिस, ठीक है, परफेक्टो, जिलेटो, विलेटो, क्वेश्चन नंबर 1, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, नंबर 2 मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, सीरियस सिंसियर एप्लीकेंट्स टू स्टे बैक, you have 2 statements, mock test has started, come on, in a single cell organism we are not very clear about the usage of 2 terms when it comes to unicellular organisms like bacteria and amoeba, reproduction is synonymous with growth, both of them are true, and 2 explains 1, answer is A, next question, answer is A, very clearly seen questions, no talking please, very clearly seen questions, multiple times we've done this question, I've told you it's a very important question, time is up,
and your time is up. Answer is B, Howrah Lucknow. Answer is B, Howrah Lucknow. Next question. Correctly assigned. Nine seconds. Well done. Most of you would have done well. Answer is Nostoc and Anabina protist are wrong. Answer is C. East is making bread and beer is a fungus. Streptomyces. Answer is C. Wrongly matched. No talking, please. No talking, please. Wrongly matched. No talking, please. Wrongly matched. We've done this question. Time is up. Time is up. Puccinia is wrong. It is rust. Answer is A. I'm asking you wrongly matched. It is A. Next question. Meiosis takes place in? Answer is A. Shanu, it is absolutely clear. Meiosis takes place in? It is absolutely clear, Shanuji. Chali. Meiosis, meiocyte, conidia, gamule, megaspore. There you go. Fifth question. Come on, Bilal, Salihon, Snehal, mock test. Answer is meiocyte. Question number sixth. Bryophyte and vascular plants. I've often told you what will happen as you go higher. No talking. Proper mock test. 11 more days to go. Time is up. They are smaller. As you go higher, gametophyte becomes smaller. Answer is C. Very good, Bashir. Smaller and have smaller sex organs. As you go higher, answer is C. They're asking you about vascular plants. Answer is C. C. It's not blurry, Subhadra. It's not blurry. Please adjust your settings on the phone. Flat green organs. What is the answer? Flat green organs. What is the answer? Phyllodes, phylloclades, scales, clades. 4, 3, 2, 1. What is the answer? Time is up. It's a modification of xerophytic plants. Answer is phylloclades. Answer is B. It's phylloclades. Next question. Phylloclades. Next question. P. Onion, silk, cotton, opuntia. Leaves become modified into spines. 10 seconds. You should have already answered it. Moved on to the next question by now. It's a simple question. Agave, cactus, opuntia, pea, onion, silk, cotton, kunal. What is the answer to this particular question? It is opuntia. 100% correct. It is opuntia. Question number 9. Well done. 90 more to go in bio. 91 more to go in bio. Good speed. 15 more questions. With membranes. Question from Cell. It is according to the new pattern. Please solve MCQs in your OMR sheet only. 5 seconds more to go. Answer is D. Lysosomes, Golgi apparatus, mitochondria. Ribosome idhar hai. Dense organelles without membrane, please. It's according to the new membrane. Please solve in your OMR. Cytochromes kahan paaye jaate hain? Matrix, outer wall of mitochondria, crystal of mitochondria, lysosome. Bataiye. Cytochromes kahan paaye jaate hain? Matrix mein, outer wall mein, crystal mein, lysosomes mein. It's a new pattern test. Please follow the pattern. Please fill your 200 wala OMR. Time aapka up ho chuka hai. Cytochromes wale question ka answer kya hoga, bachcho? Cytochromes are found in the cristae of the mitochondria, which is the inner membrane. Answer aapka C hoga. No talking, no explanation. It is a mock test. Eukaryotic component jo eukaryotic cells jaisa hai. सेलुलर कॉम्पोनेंट बताइए. आज सुबह भी एक ऐसा क्वेश्चन किया है हमने. टुडे मॉर्निंग ऑल्सो वी हैव डन अ क्वेश्चन लाइक दिस. बताइए, प्लीज बताइए. सिमिलर क्वेश्चन आज सुबह भी कराया है. दैट इज वाई रिपीट क्वेश्चन आते हैं. आज सुबह भी एक किया है आपको.
बताया है मैंने आज सुबह भी, आंसर यही था, सेम आंसर. टाइम इज अप. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वेल डन. अगला सवाल, सोमैटिक सेल्स में कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, नॉट लिखा है, नॉट. सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स, प्लीज फॉलो द न्यू पैटर्न. मार्क कीजिए OMR. बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम मूवमेंट, साइनैप्सिस, स्पिंडल फाइबर्स. टाइम इज अप. आंसर इज साइनैप्सिस. साइनैप्सिस होता है क्रॉसिंग ओवर में, क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस में, जो होता है गैमेटिक सेल्स में. क्वेश्चन नंबर 13. वेल डन. इट्स अ मॉक टेस्ट, गिव इट लाइक अ मॉक टेस्ट. एस फेज, एस फेज क्या होता है सिंथेसिस फेज में? G1, G2, 5, 4, 3, 2, 1. डीएनए रिड्यूस होता है, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होता है, सेम रहता है. क्या होता है एस फेज? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल करेगा, स्पीड बढ़ाइए. आंसर इज ए, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल करेगा. नो बेटा, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स. राइट, सी, एन नंबर सेम रहता है, सी. चलिए मेंटी बेटा, सुबह रोज करवा रही हूं सिद्दीकी, चुपचाप मॉक टेस्ट देना दीजिए. चलिए मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट स्लाइड में है. क्वेश्चन नंबर 14, वेरी नाइस क्वेश्चन. हमने प्लांट फिजियोलॉजी की चीट शीट में किया है ये क्वेश्चन. बताइए नॉट करेक्ट, उल्टा लिखा है. C3 प्लांट्स डोंट रिस्पॉन्ड, C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर ऑप्टिमम. इट इज रिटन उल्टा. C3 प्लांट्स डोंट रिस्पॉन्ड, वो तो फोटो रेस्पिरेशन करेंगे, द C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड. सो प्राउड ऑफ यू मैस्कॉट्स. क्वेश्चन नंबर 15, कम ऑन याशिका, एनपीवी, रुफैया, वेल डन. देखते ही देखते 15 क्वेश्चन पे आ गए बेटा हम लोग. I'll give you 10 extra seconds. वॉटर और CO2 का डिफ्यूजन कोएफिशिएंट सेपरेट होता है, वेपर भी निकल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकते हैं, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज सेपरेट. ब्रिलियंट क्वेश्चन, वेरी वेल डन. कितने बच्चों के सारे क्वेश्चंस अभी तक करेक्ट है? राइट है यू ऑन द चैट सेक्शन. कम ऑन किड्स, यू गाइस आर डूइंग ब्रिलियंटली वेल. द मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व द बेटर विल बी योर रिटेंशन इन द एग्जामिनेशन, आपको याद रहेगा. वेरी वेल डन. राइट है यू ऑन द चैट सेक्शन. 15 की 15 क्वेश्चन ऑल करेक्ट. OMR शीट मार्क्ड है. 1 OMR, 1 error copy, your saviors in the examination. Question number 16. चलो बेटा, abscessic acid को stress hormone क्यों कहते हैं बेटा? सुबह हमने अब्बा को इतनी बार stress hormone बोला, क्यों बोला? Morning we've done this question guys, so many times I told you अब्बा, come on, यहीं से last 10-12 days की गई मेहनत बहुत काम आएगी. बताइए please मुझे, please बताइए मुझे. वेल डन. टाइम इज अप. प्रमोट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्ट्रेस में वॉटर स्ट्रेस है, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा. नहीं बेटा, फ्लावरिंग नहीं करता एब्सेसिक एसिड, इट क्लोजर. लीफ फेल नहीं है, फॉल है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. जिबरलिन एम्स 2015 का क्वेश्चन है, जिबरलिन सुबह भी किया है. कम ऑन, डोंट गेट कंफ्यूज. दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, प्लीज कंफ्यूज मत होइए. एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर थ्रू हार्ड सीट कोट, सिंथेसिस ऑफ एब्सेसिक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम. टाइम इज अप. हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम अल्फा माइलेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम. अल्फा माइलेज, कम ऑन एवरीबॉडी. वेल डन. हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? कम ऑन, वन लाइक ऑन माई स्क्रीन बिफोर यू गो. वन लाइक एंड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट क्या प्रिवेंट करेगा? डाइशियस पपाया, व्हाट विल इट प्रिवेंट? टाइम इज अप. डाइशियस पपाया, मोनिशियस कुकुम्बर की बात नहीं कर रहे हैं. बोथ ऑटोगैमी एंड गीटोनोगैमी. आंसर इज बी, बोथ ऑटोगैमी एंड गीटोनोगैमी. विच ऑफ द
following statements is not true? Not true. Which of the following? Think, focus, there will be no money man in your exam, Manal. Answer apne OMR mein dijiye beta, mujhe nahi dene, it's a mock test. Not true. Time is getting up. Kyun atak gayi hamari sui? Shayad hum wapas chale gaye the na? 20 तो यहां चले जाते हैं. स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन नहीं है, पोलन ग्रेन्स नहीं है, कैपिटम हेक्सेन डिहाइसेंस है. अब बताइए फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस इज टू डिहाइसेंस. फिलीफॉर्म अपैरेटस पोलन को रिकॉग्नाइज करना, जनरेटिव सेल को स्टिमुलेट करना, प्रोड्यूस नेक्टर, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. साइनोर्जिन्स पे होता है. सुबह तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वेयर इज इट प्रेजेंट, याद आ रहा है? Come on, mascots. Well done. Guide the entry of the pollen tube. Well done, mascots. Next question. Among the following characters, already 21 questions, 80 more to go in bio. Among the following characters, which one was not considered by Mendel in his experiment? Not considered. Not considered by Mendel in his experiment. Not is the answer here. Not. Come on, mascots, give a mock test. Trichomes. Trichomes, number two. True bleeding plant, kaun sa hota hai, mascots? Shashikant, Ashwin. Sare previous year questions daale maine. Come on, mascots, and don't forget to like, share, and subscribe, mascots. Come on, become a part of Vedanta Biotronic. Don't forget to like, share, and subscribe. Physics bhi karwa rahi hu. That's the best I can do for my mascots. True bleeding plant. It is near homozygous and produces offsprings of its similar type, of its own kind. C option. Colorblind man marries a woman with normal sight who has no history of colorblindness in her family. Grandson ki probability kitni hai? Colorblind hai man. X prime Y to XX. All deja vu questions. Maine aapko promise kiya hai. Biotronic ki class se sare questions aayenge. Kal se to hum 10,000 questions karenge. What is the probability, mascots? Time up ho chuka hai, mascots. There's a colorblind man with normal sight. What is the probability of grandson? So colorblind man aapka ye hoga, normal ye hoga. So what is the probability of the grandson? Ye aapki carrier daughter hogi. Ye aapka carrier, you know, one more daughter hogi. Ye son hoga aur ye son hoga. Ab ye to children hue, grandson. तो इसका हो सकता है कोई सन हो और एक नॉर्मल फादर से हो जाए, तो फादर वाई दे देगा, हो सकता है मदर एक्स. तीन है ना, तो एक चांस है, वन थर्ड. दैट इज व्हाई 0.25. नो बेटा, आंसर इज 0.25. ग्रैंडसन बोला है बेटा, सन्स तो नहीं होंगे, बट डॉटर के आगे चांस है ना, डॉटर कैरियर है ना, डॉटर्स कैन पास इट टू द सन. सो आंसर विल बी डी. चलिए, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, मैस्कॉट्स? वेल डन मैस्कॉट्स. टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोक, आंसर इज डी मैस्कॉट्स. इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक. H1 हिस्टोन क्या इंडिकेट करेगा मैस्कॉट्स? You should have answered this question. Nucleosome, NU body with H1 histone. What is it trying to indicate, mascots? Come on. Transcription, DNA replication, chromatin fiber, DNA double helix. It is trying to say that it is condensed. Condensation. Everything sub fulfill hona chahiye except what, mascots? Except mascots. Right? It should be unstable, wrong. It should be stable, mascots. Next one. Wow, already close to 30 questions, mascots. Chali.
explosive increase. Pure NCERT line mascots, 2 seconds mascots. Explosive J-shaped, explosive. Well done, mascots. Next one, 28th question. Exponential growth. Exponential growth. 10 seconds. What is the answer? एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ. कल एनटी का ये वाला पूरा यूनिट भी करवाना था मुझे, आपको लाइट चली गई, कल परसों में करवा दूंगी. फॉर्मूला फॉर वेरी गुड स्पीड गाइस, 28 क्वेश्चंस जस्ट 22 मिनट्स, वेरी गुड स्पीड. कम ऑन, आंसर इसका सी है, सी सी सी, वेरी गुड स्पीड. नेक्स्ट क्वेश्चन मैस्कॉट्स, इजी है ये तो. Very easy. What is the answer, mascots? 5, 4, 3, 2, 1. Commensalism. D. Endangered. Endangered. क्या करेंगे mascots? Wildlife sanctuary में डाल देंगे, biosphere reserve बनाएंगे, cryo preservation करेंगे, national parks करेंगे, क्या करेंगे? Endangered. Genetic diversity is threatened by what mascots? Kaun threaten kar rahe hai? हाई यील्डिंग वेराइटीज. क्यों बेटा? क्योंकि हाई यील्डिंग वेराइटीज जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है. नो, बायोपेस्टिसाइड्स नहीं, हाई यील्डिंग वेराइटीज जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है बेटा, हाई यील्डिंग वेराइटीज. ए आंसर था. चलो रीड ऑल द ऑप्शंस मैस्कॉट्स, ऑलवेज रीड ऑल द ऑप्शंस. Always read all the options. Reduction in density and conservation of wildlife tribals, afforestation. Density kam karne se kuch nahi hoga. Conservation of wildlife, including indigenous population of tribals and afforestation. IUCN stands for? Answer D tha, Humaira. IUCN stands for? सेम क्वेश्चन जो सुबह वाला आने वाला है. कौन? वाओ गाइस, देखते ही देखते 35 क्वेश्चंस होने वाले हैं. वेरी गुड. 4, 3, 2, 1. आंसर है बी. बी मैस्कॉट्स, बी. अगला, सुबह भी क्वेश्चन किया है मैंने, बोला था मेंटी ने गलती की है. वी हैव डन द क्वेश्चन इन द मॉर्निंग. 35 क्वेश्चन, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया बेटा. कितने बच्चों के 35 होने वाले हैं? सेक्शन ए इज ओवर. दैट्स हाउ स्पीड वर्क्स. देखो मॉक टेस्ट देने का फायदा. व्हाट इज द आंसर? सुबह भी आपको सेम क्वेश्चन करवाया है मैंने. दैट इज हाउ मॉक टेस्ट वर्क गाइस. आपका 25 मिनट्स के अंदर सेक्शन ए खत्म भी होने वाला है बायो का. ड्राई एसिड डिपोजिशन. बी 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 बी. मिनी माटा सुबह किया है. आपका 25 मिनट्स के अंदर सेक्शन ए खत्म भी हो गया. कम ऑन मैस्कॉट्स. Consumption of 5 seconds more mascots. अब इनमें से आपको 10 question करने हैं बेटा. Mercury, Mercury. 35 questions you have to do all. Now you have to do 10 questions. Am I clear? Can I move ahead? आपने OMR mark कर ली अपनी. अब choose करके any 10. 35 में से कितने किए? Choose करके any 10. Come on guys. Everybody show your love to be biotronic. Make sure that you're liking, sharing, subscribing. Next question. In the world, India ne pucha hai. In the world. In the world.
बताइए इन द वर्ल्ड. वेल डन, रट्टा मार के आए हैं, बहुत ही बढ़िया. आंसर इज 72, 34, 52, 24, 34 B. मॉर्निंग डीप सी 7. आपने एक बार 700 जो है आपके आ गए, उसमें 360 तो बायो होना ही चाहिए. एंड 10,000 क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे. आप देखना डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, बताओ डीप सी कीमोसिंथेटिक. बिल्कुल लैग नहीं कर रहा अनास. इकोसिस्टम टर्म किसने कॉइन किया है? हैंसली हैकल वार्मिंग ओडुम. एजी थैंसली. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेट इंक्रीज कितना था? लवली क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. कम ऑन गाइस, मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग. जीरो. एमिग्रेशन इमिग्रेशन मिला के. अगला इंटर स्पेसिफिक्स हुआ, मैंने बोला था पर क्वेश्चन अलग था. 10 करने, सिर्फ 10 करने. टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज. डन. म्यूल, म्यूल टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज, जीनस सेम होता है. चलो फॉल्स, फॉल्स फिशन बडिंग फ्रेगमेंटेशन क्या है? सी है, डी है, वेल डन. सेक्सुअल एसेक्सुअल नहीं होते. सी सी सी. चलिए फॉल्स सी. नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस. मैंने आपको एक कोड वर्ड दिया है इसको याद करने का. किसी को वो कोड वर्ड याद है? किसी को वो कोड वर्ड याद है? सीपीएम, सीपी. अरे मेरे बच्चों, मेरे दिल के टुकड़ों, आज रा के बच जाना यार, आते रहना. हाय मेरे बच्चे, कितने अच्छे कर्म है मेरे जो मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले हैं. बच्चों की नजर उतार लो. यस आए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स, कितने ही प्यारे बच्चे. सीपीए मैंने आपको याद कराया था. यस आते रहना यार, कभी कभी भूल तो नहीं जाओगे. वो कौन सा गाना है? बचपन का प्यार भूल मत जाना वे. वो बच्चा मस्त है वैसे. हाँ चलो सीपीएम पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया. चलो 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 मैक्रोन्यूट्रिएंट. यार सुबह कराया भी चुनो उन्नू, प्लीज पिट्टी खाओगे अदरवाइज. जल्दी बता दो चुनो उन्नू. मैक्रो मैक्रो एन एन पी के टाइप्स कुछ तो बता दो. चलो नो लीकिंग आंसर. चलो सी नाइट्रोजन फॉस्फरस मैग्नीशियम. पोटेशियम नहीं लिखा वहां. चलो चुनो मुनो गैंगस्टर्स नेक्स्ट वन. चलो ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर रिस्पेक्टिवली लिखा है, इंग्लिश समझ जाओ.
समझ जाओ इंग्लिश थोड़ी सी। थोड़ी सी समझ जाओ, हो गया टाइम। ट्रांसपिरेशन क्या करेगा? पुल। रूट प्रेशर क्या करेगा? पुश। बी। चलो 10 क्वेश्चन कई बच्चों के हो चुके होंगे, मतलब कई बच्चों के सारे 45 हो चुके होंगे इसके साथ। डज नॉट परटेन, नॉट, कई बच्चों के सारे हो चुके होंगे इसके साथ, नॉट। टाइम इज अप। अपहिल ट्रांसपोर्ट, इट इज डाउन हिल। अपहिल इज एटीपी वाला। अब देखो जिनके 4, 5, 6 कितने बचे, इन 5 में से करो कंप्लीट। डिस्टिंग्विश कैसे करोगे डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट से? सेकेंडरी जाइलम से करोगे, सेकेंडरी फ्लोएम से करोगे, प्रोटोजाइलम से करोगे, कॉर्टिकल सेल से करोगे? टाइम आप हो चुका है आप सबका, बता दो मुझे इसका जल्दी से आंसर, जवाब दीजिए इसका। प्रोटोजाइलम से करोगे। अगला सवाल, हाइपोगाइनस किस में होता है? हाइपोगाइनस सुबह 6 था, सेम क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूज मत हो ना। हाइपोगाइनस मुश्किल है, अगले 3 क्वेश्चन मुश्किल है, अगले 3, 15 15 हैप्लोंटिक मुश्किल है, छोड़ दो, नहीं आता तो नेगेटिव मार्क मत करो अपना, नहीं आता छोड़ दो, मुश्किल है थोड़े से। बताओ यूस्टिलैगो, सी सी, सॉरी यार टाइम ही नहीं हुआ, सॉरी सॉरी मुझे लगा हो गया होगा, सॉरी सी। चलो जनरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड थोड़े से ट्रिकी है, लास्ट के 5 क्वेश्चंस चॉइस दिया है ना, लास्ट के 5 क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी है, बताओ जनरली इन्वर्टेड। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ज़ूलॉजी पे जा रही हूं फिर मैं, डन। टाइम इज अप। ए सी सी ए ए ए इन एनर्जी तो हमेशा ए सी सी मतलब समुंदर, सी वाला नहीं, एनर्जी तो हमेशा स्ट्रेट होगा, इट कैन नॉट कम बैक। लास्ट वन, इंड्यूसर्स, इंड्यूसर्स विच बाइंड विद रिप्रेसर प्रोटीन, इंड्यूसर सी, डन। चले जूलॉजी स्टार्ट कर दूं मैं, कैन आई स्टार्ट? स्कोर बताओ, स्कोर 180 और 180 तारीख, वाह तारीख, डन। पर जो बच्चे मैं गारंटी लेती हूँ, जो मेरी क्लासेस रेगुलर लगा रहे हैं, ये वाणी मैम का प्रॉमिस है, आपसे 360 और 360 आएंगे। आप मेरे अगर 10 दिन से भी क्लासेस लगा रहे हो, ये आपके सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, आपके 180 बाय 180 आ सकते हैं। कल मैं आपको सुबह एनटी ऐप के 200 क्वेश्चंस करा रही हूँ, आपको सारी चीट शीट्स करा रही हूँ, इजिली आप 10,000 क्वेश्चन वाले सुबह 6 बजे हम स्टार्ट कर देंगे, रात के 11 बजे से रात के 1 बजे तक पढ़ेंगे आप, जस्ट अटेंड आपके पास एंड यू विल सी दैट यू विल रियली स्कोर वेल। चले जूलॉजी क्वेश्चन नंबर 1,
डन क्वेश्चन नंबर वन मेरे बच्चों, आंसर क्या है इसका? बी, वाइनी पैरिटी, नॉट शेयर बाय बर्ड्स एंड मैमल्स कैरेक्टरिस्टिक्स. इज दैट क्लियर एवरीबडी? वार्म ब्लडेड है. बर्ड्स क्या करते हैं? एग्स ले डाउन करते हैं. मैमल्स लाइक बर्ड्स करते हैं. चलिए मैं एक्सप्लेन करने में नहीं जाऊंगी बेटा, हमें तीन फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी करने. इट्स नॉट एन एक्सप्लेनेटरी क्लास. चलिए, मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज. कर लिया आप लोगों ने सॉल्व? आंसर क्या है इसका? डी. डी. चलिए टाइम लिमिट पे करिए बेटा प्लीज. पर्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी प्लीज टाइम लिमिट पे करिए. आंसर है इसका टिग्रिस. डी. चलो अब मैं ना जैसे ही टाइम होगा आई विल मूव द स्लाइड, भले ही मैं देख रही हूं कि बच्चों ने आंसर दिया या नहीं. थर्टीन सेकेंड्स बचे हैं सिर्फ. कॉकरोच, कॉमन कॉकरोच, वेल डन. फाइव सेकेंड्स. थ्री टू वन. सी, फूड इज च्यूड ग्राउंड By mandible and gizzard. मैं वेट नहीं करूंगी अभी. 25 seconds के अंदर ही जवाब देना है. Inner surface of bronchial and fallopian tube. Easy question. Inner surface move करना होता है, क्या होगा? आंसर क्या है इसका? सीलिएटेड. अगला सवाल, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल किसका बना है? बहुत बार आया, बहुत अच्छा सवाल है. मॉलिक्यूल डन. टाइम अप हो चुका है बेटा. ए, वन कोलेस्ट्रॉल, थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट वन रॉन्गली मैच्ड. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगेन डिटर्जेंट्स में लाइपेज होता है, फ्रूट जूस में पेक्टिनेज होता है, टेक्सटाइल में माइलेज होता है, एल्कोहल में नाइट्रोजिनेज डाल देंगे, मारना है आदमी को. एल्कोहल पीने से वैसे ही मर जाएगा, ऊपर से तुम नाइट्रोजिनेज डाल दो. यस, अल्कोहल पीने से वैसे ही बेचारा हो गए हो, ऊपर से नाइट्रोजिनेस डाल दो, पूरी तरह हक गए हो. नाइट्रोजिनेस गलत है. डन. जूलॉजी करने में मजा आ रहा है ना? किस फॉर्म में आता है? लंग्स तक, एल्वियोलर साइड तक. एट क्वेश्चन. किस फॉर्म में आता है? वन. आंसर है ए ऑप्शन, बाइकार्बोनेट. यार स्पीड तो माशाल्लाह स्पीड है. कहां डिसोसिएट करता है? क्या स्पीड है मैस्कॉट्स, क्या स्पीड है मैस्कॉट्स. 41 सेकंड्स में कर रहे हैं सारे मैस्कॉट्स क्वेश्चन सवाल. चलो चलो चलो. 5 4 3 2 1. कहां करेंगे डिसोसिएट मैस्कॉट्स बताओ? लो ऑक्सीजन प्रेशर इन द टिश्यूज. आंसर ये है. चलो पैरासिंपैथेटिक.
चलो मैस्कॉट्स, पैरासिंपैथेटिक मैस्कॉट्स। मैंने झूला झूलने वाला एग्जांपल दिया है, पैरासिंपैथेटिक मतलब झूला झूल रहा है, सिंपैथेटिक मतलब लड़ रहा है, तो क्या आंसर होगा? रिड्यूस करेगा हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट। चलो आर्टरीज को बेस्ट कैसे डिफाइन करेंगे मैस्कॉट्स? फिजियोलॉजी आ गया, बड़े दिनों बाद, बहुत दिनों बाद फिजियोलॉजी आया है मैस्कॉट्स। आर्टरीज मैस्कॉट्स ए ए अवे फ्रॉम द हार्ट है ना। अगला सवाल मैस्कॉट्स, चलो मैचिंग पेयर। वैल्यू काउंट, आंसर क्या है बेटा? यूरिया नहीं है, बी ब्लड शुगर। हंगर स्ट्राइक वाले को क्या होगा? चलो क्या होगा हंगर स्ट्राइक? कीटोन बॉडीज बढ़ेंगी और क्या होगा? पर कीटोन बॉडीज तो लिखा ही नहीं हम, लेस यूरिया इन यूरिन, लेस यूरिया। सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन कहां होता है मैस्कॉट्स? फाइव सेकेंड्स, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगला सवाल, रिलैक्स ही नहीं करेंगे मसल्स तो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा तो क्या होगा? क्या करेक्ट है? क्या करेक्ट है? दो पेयर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स। अगला, अरे यार ये क्यों नहीं मूव कर रहा? हाँ इजी है ये क्वेश्चन, तो इजी है। चलो कम कम कम, जस्ट ड्रिंकिंग वाटर गाइस, कम ऑन, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसको मान लीजिए 1 2 3 4, कैरोटीन करेक्ट है, ये गलत है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी। चलो फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स किसके बने होते हैं? मोटर, चलो जल्दी 8 सेकंड बचे हैं।
Time is up. Opsin and retinal, A option. Stimulation of muscle fiber by motor neuron, कहाँ होगा? NMJ में, sarcoplasmic reticulum में, myofibril में, transverse tubules में. Easy है ये question तो. Time is up. Answer is A, neuromuscular junction. Well done. A, B, C, D. दिख रहा है? दिख रहा है. Yes, it is not that difficult. इतना मुश्किल नहीं लग रहा है मुझे तो. आंसर क्या है इसका? ए, रेटिना. ए, वेल डन. ये भी इजी क्वेश्चन है. Answer is B, LHFSHB, bravo. बहुत सिंपल इजी पीजी सवाल आपकी नजरों के सामने आ चुके हैं. टू सेकेंड्स. एंडोक्राइन न्यूरल दोनों काम करता है. Epinephrine, are you sure about it? Definitely epinephrine. अगला सवाल. Macula lutea और corpus luteum क्या है? Guys, come on, ये तो बहुत अच्छी स्पीड से आप लोग काम कर रहे हो. सोर्स ऑफ हॉर्मोन है, ह्यूमन ओवरीज में है, येलो कलर है, मेंटेनिंग प्रेगनेंसी. फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आई मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस 25 सेकंड्स दूंगी. करिएगा सवाल बस. येलो कलर, येलो कलर है ना. सी अगला. चलो हाफ वे मार्क आ चुका है. 45-50 मिनट में खत्म करना था. देखते हैं अगले 5-6 मिनट में आप कर सकते हो कि नहीं. 24th क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ चुका है. बहुत इजी सवाल है. 5 seconds. Hyaluronidase for penetrating the egg membrane. B. अगला सवाल. Correct regarding menstrual cycle. चलो टाइम अप हो चुका है. LH सर्ज, ए ऑप्शन. कॉपर का फंक्शन क्या है? ट्रिकी क्वेश्चन है. सारे आपको ठीक लग रहे होंगे. कॉपर का फंक्शन क्या है? कॉपर आईयूडीज में. टाइम इज अप. A, A, easy. Full form क्या है उस टेक्निक का? बहुत इजी पीजी. गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट. अगला सवाल. चलो
आंसर क्या है इसका? मुझे ठीक आंसर देना प्लीज, गलत आंसर मत देना वरना मैं एंग्री हो जाएंगे, बहुत ज्यादा वाला एंग्री। राइट, टाइम इज अप। क्या है कोएसरवेट्स बताओ, कितने बच्चों का सही है ये कोएसरवेट्स आंसर? डेमी टेट्राफेलोपियन आपने आंसर किया, इसका आंसर क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट, डी ऑप्शन होना चाहिए। ए कर रहे हो, सी कर रहे हो, डी कोएसरवेट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। चलो अगले सवाल पे प्लीज। होमोलोगस टू द विंग ऑफ बर्ड्स, डी डी डी, इसका जवाब दो। विंग ऑफ अ बर्ड, डन। फ्लिपर ऑफ अ व्हेल, अगला सी। जस्ट 15 मोर क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, बायो ओवर होने वाली है आपकी। बायो आपकी ओवर होने वाली है, टाइम अप। एचआईवी इज एनवेलप्ड वायरस, दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए होते हैं, बीच में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, आंसर बी है। अगर आपको एंटीबॉडीज की कमी नजर आ रही है तो आप अपना चेक कहां से कंफर्म करोगे, ग्लोबुलिन देख के, हीमोसाइट देख के, एल्बुमिन देख के या फिब्रिनोजेन देख के? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 31st क्वेश्चन है, बस आपको 14 क्वेश्चन और करने बायो में। आप ऑब्वियसली ग्लोबुलिन देखोगे। अगला सवाल, सीएमआई टीबी थ्रोम्बोसाइट्स एरिथ्रोसाइट्स, बताइए। टाइम आप हो चुका है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन कराएगा? टी लिम्फोसाइट्स। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोपोरेशन, छेद बनाते हैं, स्टोमेटल पोर खोलेंगे, फूड की इलेक्ट्रोपोरेशन करेंगे, सलाइन वाटर होगा, क्या होगा? Transient pores in cell membrane so that genes are able to enter. CBA. Agla. Denaturation, priming, annealing, extension. Last one. Selectable marker. What is it called? Selectable marker. Well done. इसी के साथ last 15 questions of bio. How many of you are feeling? यार mock test देंगे तो feel आ रही है, हो जाएगा test. Bio में तो कर देंगे, PDF भी दे दूंगी बेटा. Done. Feel आ रही है? Last 15 में से 10 questions करने हैं. चलो. Biogas कौन? क्या क्या होता है biogas में? बताओ.
Yes? Well done. A. चलो. एक कॉन्ड्रोप्लेजिया जो डॉर्फ रह जाते कार्टिलेज ग्रो नहीं करता है. बी ऑप्शन कार्टिलेज नहीं बेटा मेम्ब्रेन नहीं है. कॉन्ड्रोइटिन कार्टिलेज कॉन्ड्रोप्लेजिया कार्टिलेज स्नेक. अभी ये बोला है झूला झूल रहे हो पैरासिंपेथेटिक बताइए ये क्या होगा. Can I get an answer? Time up हो चुका है. A. Fight or flight, adrenaline, noradrenaline. A. Physics chemistry आने वाला है बच्चों. चलो. जैसे ही action potential का नाम आएगा क्या होगा? जैसे ही एक्शन पोटेंशियल का नाम आएगा टाइम अप हो चुका है. सोडियम विल कम इनसाइड बाउमेंस ग्लैंड्स. कैप्सूल नहीं पूछा है बेटा. कैप्सूल नहीं पूछा है आप लोगों से. Proximal end, anterior pituitary, femoral reproductive system, olfactory epithelium. क्या आंसर है? Olfactory epithelium of our nose with the Schneiderian membrane. D D D D D D D. Next. Light acting, isotropic, well done. Correct, emphysema, pneumonia, silicosis or asthma. Asthma hai. Bataiye. Silicosis, pneumonia, emphysema. Excessive secretion of mucus. Agla. Emphysema surface area is decreasing because of damage to the alveolar wall. Christmas disease. Ka ek aur naam kya hota hai? Wow, 8th question tak pahunch chuke ho guys. Bahut kam question karne hai abhi. Bataiye. हीमोफीलिया बी डिटर्जेंट्स में क्या होता है. वेरी नाइस क्वेश्चन. थर्मोफाइल्स थर्मो एसिडोफाइल्स एल्कली एसिडोफाइल्स डिटर्जेंट्स लाइपेसेस वगैरह क्या होते हैं. एल्कली फाइल्स हैं एसिडोफाइल्स हैं क्या हैं. थर्मो एसिडोफाइल्स हैं थर्मोफाइल्स हैं क्या हैं. Alkalophiles, alkali, B, bravo. Very nice question again. Structural organization, जिसकी कल मैं आपको cheat sheet करवाने वाली हूं. Time up हो चुका है. Grinding off, staff proventricular secrete, gastric, hepatic, CK, 10 pairs हमने पहले भी किया हुआ है ये.
स्पाइरल्स एनल सिरकाई होगा आपका 10 सेगमेंट, आंसर होगा ए। पैंक्रियाटिक जूस, कौन सी एंजाइम बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। 11 15 क्वेश्चन है, कई बच्चों के हो गए 10, कितने बच्चों के 10 पूरे हो गए मॉक टेस्ट में, 10 पूरे हो गए, कम ऑन। पैंक्रियाटिक जूस डी, ट्रिप्सिनोजेन प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज डी। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने, इन्फेंट स्पेसिफाई कर दिया। इन्फेंट्स पेप्सिनोज माल्टेज कहां से आ जाएगा, सी ऑप्शन, पेप्सिनोजन लाइपेज रेनिन। आगारोज जेल कहां यूज होता है, टिश्यू कल्चर में, पीसीआर में, आगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में यूज होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सी ऑप्शन। ट्रांसजेनिक बासमती राइस अगर आप खाओगे, गोल्डन राइस खाओगे, इट विल गिव यू, इट इज हाई इन विटामिन ए, बायो फोर्टिफाइड जिसे कहते हैं। हर्बिसाइड क्यों कहते हैं, एलिमिनेट वीड, एलिमिनेट वीड फ्रॉम फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड। क्या आंसर है इसका, कोई बी, कोई सी, कोई डी, सब कर दो, एक काम करो सारे चार ऑप्शन पढ़ दो तुम। जेनेटिकली मॉडिफाइड ताकि उनमें एक्यूमुलेट ना हो, बायो मैग्निफिकेशन ना हो, हमारे पेट में ना जाए। डी, रिड्यूस हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन फॉर हेल्थ सेफ्टी, सारे कर देना तुम, एबीसीडी लगा देना। डन, डी। केमिस्ट्री में आने वाले, अब मुझे बताओ कितने बच्चों के 90 और 90 है, चलो बताओ 88, 89, 90, राइट है यू ऑन द चैट सेशन। एंड गाइस कम ऑन यार, शो सम लव टू बी बायोटॉनिक, मेक श्योर दैट यू लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग राइट नाउ। डन, 340, 360 कौन कौन है, कम ऑन एवरीबॉडी, 88, 89, 348, 356 एवरीबॉडी, 84, 89, 335, 350, 360 भी आ गए एक दो बच्चों के, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, 87 है कईयों के करेक्ट, वेरी गुड। चले, डन फॉर केमिस्ट्री, रेडी टू सॉल्व केमिस्ट्री। कितना टाइम दो एक क्वेश्चन के लिए, हाउ मच टाइम पर क्वेश्चन। एंड गाइस मुझे लगता है यहां पर आई शुड नॉट स्पीक बिकॉज मेरे बोलने का फायदा तो होगा नहीं, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा नहीं, क्वेश्चन आपने खुद करना है। आई शुड जस्ट गिव यू द क्वेश्चन फॉर 30 सेकंड्स, है ना, 30 सेकंड के लिए क्वेश्चन दे दो आपको, चलो स्टार्ट करो, चलो सॉल्व इट लाइक अ मॉक टेस्ट। 30 सेकंड्स के लिए क्वेश्चन, एक मिनट नहीं बेटा, एक मिनट नहीं, अगले साल नहीं पेपर देना, इसी साल देना है। बी, अगला सवाल बी बी बी, ब्रावो, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा ऐसे बोलूंगी, ब्रावो। चलो
Giving you 30 seconds, Baba. Giving you 30 seconds. I'll give you 30 seconds. आप क्वेश्चन करो, टेंशन मारो. ए ए चलो करो. मोसरफ, प्रियंका, विकास, करिए बेटा क्वेश्चन सॉल्व करिए. HIO4 से क्लीव इनटू 2 हो जाएगा, बताओ. डी डेल्टा, अगला क्वेश्चन नंबर 4th. एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स सी ए बी डी क्या है, एक्स एक्स सी 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 अरे यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राइमर टेमिन हो गया आंसर, बताओ. एलिमोन, उमेश, जन्वी, ओके जन्वी वर्मा, कहां चेक करना है बेटा मैसेज आपका. आंसर क्या है इसका, ए. वाई क्या है, वाई. I can do this much for you. बच्चों मैं आपको रोज ऐसे questions करा सकती हूं. Why क्या है, Why आपका C है, C. अगला सवाल, Tautomerism कौन exhibit नहीं करता है, Not exhibited by. आंसर ए है, अल्फा. अल्फा बी सैचुरेटेड एल्डिहाइड किस सीक्वेंस में फॉर्म होता है, फिजिक्स इसके बाद करेंगे. यस हेत्री बेटा, किस सीक्वेंस में फॉर्म होता है, आंसर इसका बी है. बहुत मुश्किल लग रहा है गाइस, आर यू एबल टू डू इट. ट्रांसफॉर्मेशन, सूटेबल स्टेप्स. थैंक्स हेत्वी. मेहताब बताइए. यस वेदगिरी, अमुलु, आई ट्राई बेटा. व्हाट आर द स्टेप्स, यार ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है. हो रहा है सॉल्व आप लोगों से. आंसर इज ए, ए. आंसर ए दिया है मेरे पास. एंड प्रोडक्ट मुश्किल तो दे रहा है यार, लग रहा है मुश्किल. करो सॉल्व. एंड प्रोडक्ट बी, ब्रावो, बी बी. अगला अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड. स्टीफन्स, पर्किंस, नन ऑफ दीज हेल वोल्हार्ट ज़ेलेंस्की, एबीसी बताइए. कर लिया सॉल्व. वाह ये अच्छा किया आप लोगों ने. अच्छा ए ये आता था आपको. एक्स बताओ इसमें क्या होगा, प्रिडिक्ट करो एक्स क्या होगा. ये तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया है, चलो करो बेटा. अनुष्का ब्लर नहीं है बेटा, अपना थोड़ा एक बार आप अपना रेजोल्यूशन चेक करो बेटा. एक्स क्या है इसमें बेटा, ए बी सी डी. आंसर इसका
क्या है? सी चार्ली। अरे सही क्वेश्चन आया यार, मोल कॉन्सेप्ट टाइप का। नाइस क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो। 1.71 ग्राम ऑफ शुगर डाला, आंसर क्या है इसका? ए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कर लिया सॉल्व। 3 सेकंड्स बचे हैं। बेरियम क्लोराइड, कितना है इसका आंसर? 0.10 डी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जीज, आयोनाइजेशन के तो क्वेश्चन आते ही हैं। आयोनाइजेशन एनर्जीज, वेरी नाइस। आंसर क्या है इसका? बी 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 बी। बताइए बेसिक कैरेक्टर क्या आंसर है? बी बी। कितने बच्चों का ठीक जा रहा है? बी, वेल डन गाइस, आप मेहनत कर रहे हो। बॉन्डिंग जो लिखी है वो किसमें होती है बेटा? बेटा मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मॉक टेस्ट मत छोड़िए। क्या आंसर है बेटा इसका? कर लिया सॉल्व। आंसर इसका क्या है बेटा? बी, ब्रावो। अगला सवाल, अब मैं 25 सेकंड्स पे कर रही हूं, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का आंसर बताइए बेटा, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट What is the answer to this question? Well done. Answer इसका A है। अगला सवाल, पैरामैग्नेटिक। टाइम इज अप। आंसर इज क्लोरीन, सी। ये ग्राफ क्या इलस्ट्रेट कर रहा है बेटा? कौन सा लॉ है बेटा? डाल्टन, चार्ल्स, बॉयल्स, गे लुसैक्स।
इट इज चार्ल्स लॉ. वेल डन पीटर. वीडियो क्वालिटी तो बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन पे देख रही हूँ बच्चे. आगे बढ़ते हैं बच्चों, बस जस्ट लग जाओ, एक घंटा आधा घंटा और लगेगा, फटाफट कर लेते हैं. करिए सॉल्व बेटा, एग्जाम में आ गया, कैसे करेंगे? अच्छा रेशमा जी, करिए सॉल्व. 10 seconds है बेटा, और देती हूँ 1732 मीटर पर सेकेंड. चलो बी सही कर रहे हो. डेंसिटी ऑफ गैस वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. आंसर इसका बी है, -498 जूल पर मोल. बी अगला सवाल बेटा. ओ गॉड बच्चों, खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है. क्वेश्चन मिस हो गया क्या? हाँ ये करो, 22 करो पहले. ये कर लिया था क्या? हैव यू डन दिस क्वेश्चन? न्यू पैटर्न के हिसाब से बनाए मैंने, टोटली अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न. करिए सॉल्व. डी ऑप्शन 22 हो गया है. चलो परफेक्टो जिलेटो विलेटो कर लिया है. कल सुबह 6 बजे मिलने वाले हैं हम. ट्वेंटी थर्ड का आंसर दीजिए. ए. 24th का दीजिए. 75 क्वेश्चंस करने और बस. अगला चलो 25th का आंसर दीजिए. कर लिया. सी. सी 26 का. सी उसका सी था. वाह वेरी वेल डन. एन इज इक्वल टू 0. वेरी वेल डन. 27 वेरी वेल डन. इसका ऑर्डर बताइए. यस आयुष. फाइव मतलब 4321. तो आंसर क्या होगा इसका? ए 4321. अगला make sure that you are liking, sharing, subscribing. 28
D 29th. हाइब्रिडाइजेशन बताइए. हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ए लोन पेयर कैलकुलेट कीजिए. आंसर क्या है इसका? लोन पे 0. अगला 31. डन. सी अगला मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स. आंसर इसका क्या है? 32 का आंसर क्या है? 31 का आंसर था सी, 32 का आंसर है डी. कर लिया आपने DSP2. यार तो बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल कर रहे हो ना सॉल्व बच्चों. 33 बॉन्ड लेंथ. परफेक्टो. वाह बच्चों वाह. कर दिया आंसर इसका बी दिया है बी. चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ 35. वेरी नाइस आयुष तिवारी आई एम सो प्राउड ऑफ यू. तुम्हें ना कंफ्यूज हो जाती सब कुछ एक जैसा दिख रहा है मुझे. 34 का आंसर सी है. 35 करो आप. का आंसर है डी. और मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है पर आपके लिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी. मुझे इतना बोरिंग लग रहा है ना मेरे सामने. ऐसा लग रहा है जैसे चाइनीज लैंग्वेज में कोई मूवी चला रहा होता है और जैकी चैन शैं कर रहा होता है. राइट मतलब देख लो बच्चों के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं. मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोरियन लैंग्वेज में कोई मूवी चला के शैं कर रहा होता है. मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा. मुझे तो ऐसा लग रहा है क्या ही हो रहा है. क्या है भाई ये तो सारा बच्चों में ये तो कुछ देखा देखा मतलब कुछ इमोशन समझ में आ रहे हैं. कुछ समझा लग रहा है. लोन बेस पे समझ में आ रहा है मुझे. आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ रहा है. वो शुरू में मुझे वो रिएक्शन के नाम से शे मूवी चल रही है मेरे सामने. मुझे समझ आ इसका फिजिक्स आने वाली है. राइट बट चलो बायोटोनियंस के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा. डन वेलकम यार. आई कैन ओनली टेक एफर्ट्स बेटा. मैं ये कर सकती हूँ कि आपको बैठ के पढ़ा दूं बेटा.
पढ़ लो मेरे बच्चों, आंसर इसका डी है, डी। बी सेक्शन कर ले, आंसर ओनली 10। चले, दैट्स ऑल दैट आई कैन डू। मशीन, अब इमेजिन करें कोई केमिस्ट्री का टीचर आके आपको पढ़ा रहा है ट्रांसलेशन, वो भी शे कर रहा है। मैं वो तो नहीं कर सकती हूँ, मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कोई केमिस्ट्री का फिजिक्स का टीचर आके बोल रहा है यार मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं प्लांट किंगडम, कहेगा आके यार ये कैसे फियोफाइसी को कुछ और ही बना देगा। ओके, फियोफाइसी इमेजिन करो, फियोफाइसी क्या चल रहा है ये, राइट। चलो, वेल डन गाइस, वरना आ जाओ 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। Although I can work hard, guys, मैं मेहनत कर सकती हूँ आपके साथ कि आपको करवा दूँ। करेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। डी सेकेंड क्वेश्चन, इसका डी था फर्स्ट क्वेश्चन का। एक सेकेंड, फेरस क्लोराइड वाला ना, हाँ बी 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 था, बी बी सेकेंड क्वेश्चन पे आ गया, बी था बी। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे निखिल। और इस वाले का सेकेंड क्वेश्चन का है ए ए। आओ थर्ड क्वेश्चन पे, बॉन्ड की बात कर रहा है, आप जेम्स बॉन्ड लिख के मत आ जाना। बॉन्ड एंगल 50% and 55% फोर्थ। अगला सवाल, कर लिया, आंसर इज ए 85th। प्रेशर कितना है, रिजल्टेंट प्रेशर, रिजल्टेंट प्रेशर कितना है। वेरी गुड आर्ग्या व्यास, थैंक्स मानसी। अच्छा एग्जाम का पूछ रहे हैं, मैं स्पेशली आई विल कम टू इट निखिल, मैं कल एक स्पेशल लेक्चर लेने वाली हूं। 2.4 ATM, 2.4 ATM, क्वेश्चन नंबर 6। बताइए RMS velocity, आंसर इसका सी 7th। सेवेंथ क्वेश्चन डन। सेवेंथ क्वेश्चन, गिविंग यू 5 more seconds। डी K2 by K1, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व, आंसर इज 9, डी। क्वेश्चन नंबर 9,
केपी केसी की बात कर रहे हैं, बताइए। सॉल्व ए केपी इज ग्रेटर देन केसी। अगला मैंने अगला क्वेश्चन ही चेंज कर दीजिए, सॉरी। टेंथ टेंथ मैं क्वेश्चन पढ़ने लग जाती हूँ, देन आई थिंक मेरे को कुछ कुछ याद आ जाता है। इजी है, का आंसर है ऑल ऑफ दीज डी। अगला सवाल, इलेवेंथ, बी आंसर है T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। ट्वेल्थ, ट्वेल्थ टाइम इज अप। 15 क्वेश्चंस करने में से सिर्फ 12 तीन बचे हैं। आंसर जी ओ इज माइनस वन एन इज प्लस वन। 13 कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, P4O10। आंसर इज 16। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, आंसर इज ABCD SP SP2 SP3 रिस्पेक्टिवली। आंसर इज ए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, चलिए
Answer is D. D. कितने ठीक हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं बता दो. Decreases, increases. Physics कर ले फटाफट. Then you tell me your final score. 35 plus 10, 45 physics question number 1. चलो चलो चलो. No wasting time. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा. आंसर इज सी. नेक्स्ट answer is B, CO2, O2, H2. CO2, O2, H2. R is equal to 5. Come on, guys. Time is up. 33.7 meters. C. 33.7 meters. अपनी स्पीड देख लो. 40 सेकेंड दे रही हूं. निखिल जी क्या पूछ रहे हैं बेटा आप. चलो 12.7 माइक्रो एफ जो भी है वो बी ऑप्शन. फिफ्थ सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या है करिए सॉल्व. टाइम दे रही हूं.
आंसर इसका सी है, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेवेंथ क्वेश्चन करिए सॉल्व. आंसर इज सी. एथ क्वेश्चन. टाइम आप होने वाला है, जल्दी कीजिए. लेंथ एंड ब्रेथ दिए है, एरिया, एरर लिमिट्स. आदित्य, मनोज, मनोज आदित्य, वेल डन. आंसर इसका सी है, सी. चलिए नाइन्थ क्वेश्चन. टाइम आप होने वाला है, आंसर इसका बी है, 27-8. टेंथ क्वेश्चन. आंसर इसका सी है, सी. Solved. C है. Solved everyone. Answer is B again. 13th. Answer is A, 14th. Answer is C, 1/2 alpha, 15th. ये इनमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा बच्चों.
B. 16th. Last few questions. D, 1, 2 and 3, 17th, Answer is B, 18th. Giving you time to solve MCQs. Kya answer hoga iska? Answer is C, 19th. थोड़ा स्पीड बढ़ा लो बच्चों, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो. Sibu, I will please tag me, put it down in the comment section, beta. Supernova explosion. Answer क्या है बेटा? C, 2.1 second. अगला सवाल. Spectrometer. And guys, are you liking, sharing, subscribing? Have you all become a part of Vedanta Biotronic? Answer kya iska? 15 inches. B answer hai. 21st question. Time de rahi iske liye, kariye solve. Kariye solve. Time de rahi iske liye. चलिए 21st क्वेश्चन आंसर ए है. 22nd आई गिव यू टाइम फॉर दिस ऑल्सो.
आंसर इसका बी है, बी 23rd. थोड़ा सा टाइम दूंगी इसके लिए, ज्यादा नहीं, 40 सेकेंड्स के करीब करिए. चले, आंसर इसका बी है, 20 बी. चलो फ्रीली फॉलिंग प्लेटफॉर्म से क्या आंसर होगा इसका. आंसर इसका 10 सेंटीमीटर है, बी. अगला सवाल, ट्वेंटी फिफ्थ पे क्या आंसर होगा. सी 26th करिए. वर्नियर कैलिपर वाला है डायग्राम क्वेश्चन, बताइए. आंसर इसका ए है, 1.5%. ट्वेंटी सिक्स्थ ए ऑप्शन. नेक्स्ट, सॉल्व्ड. ये तो सिंपल है, 7RT. अगला, आंसर सी, पी बाय बी.
Last 21 questions, guys. A option 15 hertz. इतने कितने बच्चे एंड तक बैठे हैं, अपना पूरा काम कर रहे हैं. चलिए, आंसर इज 29th का क्या था इससे पहले वाले का, ए 15 हर्ट्ज. इसका क्या है बताइए. डन. वाओ, आई एम गेटिंग सो कंफ्यूज रीडिंग द आंसर्स एंड देन टेलिंग यू समटाइम्स आई फॉरगेट टू चेंज इट. डोंट वरी, वी हैव डन इट नाउ. आंसर क्या है इसका, एफिशिएंसी ऑफ आइडियल हीट इंजन इज डी 23.5%. बी डी रत्ना गौतम 31. एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स वाला क्वेश्चन. थर्टी फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों, डी. 32nd पे आ जाइए. चलिए जल्दी करिए जल्दी. चलिए डी 0.29 मीटर्स पर सेकेंड. अच्छा वो तो पुराना वाला था ना क्वेश्चन. इसका आंसर क्या, 1800 250 900. आंसर है 900. चलिए कम ऑन गाइस, 15 मोर क्वेश्चंस, दैट्स ऑल. 34th क्वेश्चन. कमाल ही बचा दिया यार. चलो सी लास्ट ऑफ द कंपल्सरी क्वेश्चंस.
7 o'clock शुरू किया था 2 घंटे में. बी ऑप्शन 2n+1/2n-1. इसका Mg m+m. Did you not change the slides or what? Last 15 questions. अगला सवाल. -2 joules. A. Third. Just about 12 more questions. FV, D option. Meter per second. Agla sawal. Fifth. Mushkil questions hai, thoda time de rahi ho. Answer is 2, B option. Sixth question. Done.
Answer is 6.0. Next. Last 7 questions. Answer is 1.00, option number 1. Next question. Yes, we moved on to the next one. Last 7-8 questions. Answer is 5.00. टू आंसर है, टेंथ पे आ जाओ. Answer is 3. Last 5 questions. Answer is 2. Last 3 questions, guys. Kya answer hai BC wale ka? Kar rahe ho aap log solve? इसका आंसर है 1. एक और घंटा बचा है फिजिक्स को दे देते हैं. कितना अमेजिंग हो जाता है गाइस. योर स्पीड इज वेरी गुड. 13th.
एंड सो जस्ट ट्राइंग टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल विद यू गाइस सो दैट यू रियलाइज कि आप हाफ एन आवर पहले भी एग्जाम खत्म कर सकते हैं. और अगर आपने हाफ एन आवर पहले एग्जाम खत्म कर दिया, आप अपना ओएमआर सारा देख सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं, जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो दोबारा देख सकते हैं. इट इज ईजी, आप कर लोगे एग्जाम में. आंसर है बी टू, 14th क्वेश्चन. I'm so happy कि मेरे बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. आदित्य so proud of you. Like last time, आदित्य please send your OMR. Answer is 2. And last question. I will do it. जल्दी, मुझे पिछली बार भी आपका नाम ही नहीं मिला था. आप अभी क्या अभी भेजो, मैं देखती हूँ. Very nice Aditya. Waiting for you on the final day also. Last question. इसका आंसर है आपके लिए B. Minimum. Wow, finally हमने 45 minutes में सारे 200 questions solve कर लिए. Is it not? This is so brilliant, guys. I think super kudos back. Pat yourself, super amazing. But सबसे important बात अब सुनते हुए चाहिए. कल सुबह क्या होने वाला है? I think now अगर आप इतने में just look at how much more time you will get to do so much more. राइट तो कल सुबह आपकी 6 o'clock क्लासेस शुरू होने वाली है. 6 o'clock आपका मॉक टेस्ट है, सुबह 6 बजे अलार्म लगा लीजिएगा. एनटीए का टेस्ट है सुबह 9 बजे. राइट सुबह 6 बजे आपका मॉक टेस्ट है. आप वीडियोस पे जाइए, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा. मॉक टेस्ट नंबर 1 पार्ट 1 ये रहा आपका. राइट ये सुबह 6 बजे आपका. फिर रात को 11 बजे मॉक टेस्ट है आपका. 9 बजे वी आर डूइंग द लाइव टेस्ट ऑफ एनटीए 200 questions. Done? So please don't miss out on anything at all. Make sure आप 10,000 MCQs पूरे solve कर रहे हैं. Done? See you guys. Tell me your score in the comment section. Don't forget to like, share and subscribe. It's super amazing performance. Well done. Bye guys. Bye. इसका solution और PDF मैं description box में provide कर दूंगी. Bye guys.